दोस्तों साल 2012 में आया सीरियल पुनर्विवाह तो आप सभी ने देखा ही होगा, जहां सीरियल में हमें एक से बढ़कर एक कलाकार देखने को मिले थे जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। वहीं सीरियल के हर एक कलाकार ने अपना अपना किरदार दिलो जान से निभाया था, जिसके चलते दर्शकों ने इन सभी कलाकारों का किरदार खूब पसंद किया था और इन्हें अपना प्यार भी दिया था, तभी तो ये कलाकार खूब फेमस भी हुए। लेकिन आज इस सीरियल को प्रसारित हुए 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों में इस सीरियल के कलाकार भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जी हाँ, और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके आज के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप पहली नजर में देख कर पहचान भी नहीं पाएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं एक एक करके उन्हीं कलाकारों से। नंबर 1, कृतिका सेंगर। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल में आरती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कृतिका सेंगर की, जिन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का खूब दिल जीता था। वहीं आज ये 36 साल की हो गई हैं। इन सालों में काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। ये सीरियल में ट्रेडिशनल साड़ी के साथ सिंपल मेकअप और सिंपल ज्वेलरी में सीधी साधी नजर आई थी, पर आज ये ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आती है। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, बता दें इन्होंने साल 2014 में निकेतन धीर से शादी करके घर बसा लिया था, जिनसे इनकी एक बेटी है। वहीं अपने करियर से भी दूरी बना ली है। नंबर 2, गुरमीत चौधरी। सीरियल में यश सूरज प्रताप का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी आज 48 साल के हो गए हैं और इन सालों में ये काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जहां ये सीरियल में सिंपल हेयर स्टाइल के साथ सिंपल ड्रेसेस में नजर आए थे, तो वहीं आज पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश हो चुके हैं और अब ये स्टाइलिश ड्रेसेस पहने हुए काफी हैंडसम नजर आते हैं। वहीं इन्होंने साल 2011 में देबीना बैनर्जी से शादी करके घर बसा लिया था, जिनसे आज इनकी 2 बेटी हैं। आज ये अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं इन्होंने अपने करियर को आज भी बरकरार रखा हुआ है। नंबर 3, चेतन पंडित। सीरियल में सूरज प्रताप के किरदार को निभाकर मशहूर हो चुके अभिनेता चेतन पंडित ने आज अपनी 46 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है। वहीं सीरियल में इन्हें सिंपल शर्ट पैंट और कोट पैंट को कैरी करते हुए सिंपल अंदाज में देखा गया था, पर अब बढ़ती उम्र की वजह से अब ये जितने हैंडसम पहले नजर आते थे और अब ये सिंपल शर्ट पैंट जीन्स को कैरी करते हुए नजर आते हैं। वहीं बीते साल इन्होंने कनु प्रिया पंडित से शादी रचा ली थी, पर आज तक इन्हें पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। वहीं इन्होंने एक्टिंग करियर से दूरी बना ली है। नंबर 4, गीता त्यागी। सीरियल में शोभा दुबे का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री गीता त्यागी की, तो बता दें इन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। जहां सीरियल में ये ट्रेडिशनल साड़ी पहने हुए सिंपल मेकअप और ज्वेलरी के साथ काफी खूबसूरत नजर आई थी, वहीं आज ये 41 साल की हो गई हैं, पर इसके बावजूद भी ये काफी मॉडर्न ड्रेस पहनना पसंद करती हैं और इन ड्रेसेस में ये काफी स्टाइलिश भी नजर आती हैं। वहीं इन्होंने बीते सालों पहले विजय से शादी रचा ली थी, जिनसे आज इनके 2 बेटे हैं। वहीं इन्हें आखिरी बार मेहंदी है रचने वाले सीरियल में देखा गया था। नंबर 5, पलक दे। सीरियल में यश और आरती की बेटी के रूप में नजर आई बाल अदाकारा पलक दे सीरियल में पलक के किरदार में काफी ज्यादा क्यूट और मासूम नजर आई थी। जहां सीरियल में इन्हें सिंपल फ्रॉक और रंग बिरंगे ड्रेस को कैरी करते हुए क्यूट अंदाज में देखा गया था, वहीं इन्होंने आज अपनी 14 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जिसके चलते अब ये पहले से काफी बड़ी हो गई है। वहीं अब ये पहले से भी काफी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लगती है। वहीं फिलहाल ये एक्टिंग से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। नंबर 6, हीना परमार। सीरियल में इशिता के किरदार में नजर आई अभिनेत्री हीना परमार ने अपने किरदार से सभी को दीवाना बना दिया था। वहीं आज अपनी 32 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। बता दें जहां सीरियल में इन्हें सिंपल रंग बिरंगे साड़ी और सिंपल मेकअप करके सिंपल अंदाज में देखा गया था और अब ये रंग बिरंगे वेस्टर्न स्टाइलिश ड्रेसेस को ओपन हेयर में काफी खूबसूरत नजर आती हैं। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने अभी भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है। वहीं आज भी ये सिंगल हैं और अपने फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। नंबर 7, अक्षय डोगरा। सीरियल में आकाश के किरदार को निभाकर दर्शकों से तारीफें बटोरने वाले अभिनेता अक्षय डोगरा ने अपनी 41 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। वहीं सीरियल में जहां सिंपल शर्ट पैंट को कैरी करते हुए सिंपल अंदाज में देखा गया था, तो वहीं अब ये पहले से ज्यादा स्टाइलिश ड्रेसेस कैरी करते हैं। अब ये पहले से मॉडर्न और हैंडसम नजर आते हैं। वहीं इन्होंने काफी सालों पहले साक्षी डोगरा से शादी रचा ली, जिनसे आज इनका एक बेटा भी है। वहीं इन्होंने अभी भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है। नंबर 8, समरगी नीम। पुनर्विवाह सीरियल में विधि के किरदार में नजर आई अभिनेत्री समरगी नीम सीरियल में जहां सिंपल साड़ी को कैरी करके सिंपल मेकअप में बेहद ही खूबसूरत नजर आई थी, वहीं इन्होंने आज अपनी 39 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ बता दें कि अब ये सूट से लेकर हर तरह के स्टाइलिश ड्रेस को कैरी करके बेहद खूबसूरत नजर आती है। वहीं इन्होंने बीते सालों पहले रुचिर नाम के शख्स से शादी कर ली थी और आज ये अपनी फैमिली के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही है। वेल दोस्तों, इन सीरियल के कलाकारों के आज के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।